ढिल्लो साहब, ढिल्लो हाँ साहब, जी हाँ मैं जी आप जो कह रहे हो ना ठीक कह रहे हो। देखो, हम जितने भी लोग कर रहे हैं, इनको उन पैसे बहुत अच्छा लगा, इनको सारा कुछ बहुत अच्छा लगा, तभी कर रहे हैं। लेकिन ना सर, इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम है? मैं आपको देखो, मीटिंग में मेरे को बात पता नहीं करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए मेरे को। सर, नहीं लोग नहीं ना बोलिए घूम बोलिए पड़ते हैं, किसी की ना घर की बिल्कुल कुड़की होने वाली है, किसी के पास ना सर फीस भरने के पैसे नहीं है, किसी के पास ना सर घर में राशन पानी बिजली ये किराया देना वो नहीं है, जो बेसिक के समस्याएं होती हैं सर। मतलब लोगों के ना सुन सुन के सर कितनी रोनी आ जाती है, बाई गॉड। मतलब ये ठीक बात है, ये सही है जो आप कह रहे हो, कुछ गलत नहीं कह रहे हो, ऐस गलत नहीं कर रहा है। और जो लोग आते हैं, लीडर आते हैं हमारे, और जो मीटिंग्स लेते हैं, कोई गलत नहीं कह रहा है। लेकिन सर बात ये कह रहे हैं कि हमारे को एक बार ये पता चल जाए ना कि इसमें इतना टाइम लगेगा, ऐसा कुछ होगा, तो वो मेंटेन कर लेंगे किसी भी ढंग से। हम आके जैसे बोल देते हैं कि 10 दिन में ही होने वाला है, या हफ्ते में ही होने वाला है, या 15 दिन में हो जाएगा बहुत बड़ा सब कुछ। ये है सर बात सारी की सारी। लोग बहुत परेशान है सर, लोग करना चाहते हैं बिल्कुल, करोड़। मैं इसीलिए इसीलिए कह रहा हूँ ना, इंडिया में एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, इसीलिए प्रॉब्लम ये हो रही है कि लोग कुछ कॉन्सेप्ट करने लग जाते हैं यहाँ पे। अब इसमें अकेला इंडिया नहीं है, दुनिया के भी इसमें बहुत सारे फाउंडर्स हैं, दुनिया के लिए भी बन रही है ना, वो हम एक कंट्री को एज ए वो नहीं देख के नहीं रख सकते। लोग काम कर रहे हैं, कर रहे थे, ओके। अब प्रॉब्लम इंडिया में यही है कि लोग अकेला यही कर रहे हैं और कुछ कर ही नहीं रहे थे, इसीलिए। अब इसमें देखो, टाइम की डेट की कोई आज तक किसी ने डेट यहाँ पे ना न्यायाधीश ने दी है, उसने जस्ट यही बोला है, अभी थोड़े दिन पहले भी ये बात हुई थी, यही बोला है, ओके, कि मैं कर रहा हूं, ओके। अब तो कर दिया, अगर प्रोडक्ट अभी आ गए वहां पे आ गए, दैट मीन्स वो तो हो गया। अगर ओ अकेडमी की अब बात आ रही, इतना बड़ा वो भी हो गया, वो हो गया, इसलिए बात हो रही हो, कब आना वो तो ठीक है। बट हाँ, इसमें डेट नहीं है मांगेराम जी, कि अगर मैं कहूं कि हाँ आने वाले 1 महीने में यहाँ आपको बोनस आ जाएगा, मुझे भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, इवन ऐश को भी नहीं मालूम कि कब स्टार्ट होगी। और हाँ, इतना जरूर है कि ये कुछ अब जल्दी होने वाला है, इतना इतना तो मुझे मालूम है कि ये प्रोसेस जो है जल्दी होने वाला है। अगर अगर इस प्रोसेस में अगर आपको लगता है कि अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो अभी भी शायद 3-4 महीने लग जाए या 6 महीने लग जाए, फॉर एग्जाम्पल किसी को ऐसा लगता है कि 6 महीने में कैसे निकालूंगा, ठीक है ना, तो मैं तो भैया उनको यही कहूंगा कि मतलब कि आपको, क्योंकि घर आपका, आपका क्या है कुछ मुझे नहीं मालूम, बट यहाँ पे जब ऑन पैसिव ने रेडी होना है या आपको बोनस देना, वो रेडी होके ही बोनस आना है बेसिकली, तो वो टाइमिंग तो ना तो एस ने क्लियर बात की है, सीधी सी अगर मैं बात बोलूं, ना ही हम कर सकते हैं वो बात को, ठीक है ना। तो इसमें अगर कोई ये सोच रहा है कि 15 दिन में पैसे आने वाले हैं, मैं भी आ सकते हैं, मैं ये भी कह सकता हूँ आने वाले 10 दिन में भी बोनस शुरू हो सकता है, आने वाले 2 महीने में भी हो सकता है, या 3 महीने भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये डेट नहीं है, तो इस डेट का जब जब नहीं है तो वो गुजारा कैसे करना है, ये जस्ट आपको मालूम होना चाहिए, किसी को भी हम कैस कैस किस लेवल पे अगर काम कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, वो थोड़ा क्लियरिटी खुद ही आदमी को होना, उसमें ऑन पैसिव का कसूर नहीं है, मैं अगर ये मानूं, ठीक है ना, क्योंकि जब ये शुरू भी होगा तब भी क्राइटेरिया है कि हाँ बोनस किसको आना है, टीम वाले को आना है, या मे भी अब इसमें कुछ लोगों की जिनकी टीम ही नहीं है तो उनको तो आएगा ही नहीं, तो वो तो अपना काम करें ना पहले ही जाके, ठीक है ना, तो या कर रहे होंगे मेरे मेरे हिसाब से, या उनको पहले ही मालूम होगा। तो जस्ट मैं ये कहना चाहूँ, इसमें कोई ये बात नहीं है, इसको आप ना थोड़ा नेगेटिव वे में इंडिया के फाउंडर ले जाते हैं कि हमें ऐसे बोल दिया, वैसे वाली बात नहीं, हम प्रैक्टिकली बात आपसे कर रहे हैं कि आपका इनकम कैसे, आपने आपका घर चलाना है, वो आपको खुद बेहतर मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। यस, एक्सपेक्टेशन है ऑन पैसिव से, क्योंकि जब तो शुरू होगी तब तो मतलब कि बात ही खत्म है ना, बात तब तो बहुत कुछ होने वाला है, वो तो हम सबको, आप सबको, सबको मालूम है वो। बट इन बिटवीन अगर ये ऐसी सिचुएशन है तो ये सिचुएशन है, बट अब टाइम ज्यादा नहीं है, मतलब मैं इतना तो मैं कह सकता हूँ अभी आज के दिन में भी कह सकता हूँ ये, कि ये टाइम वो वाला नहीं है कि इसमें कुछ होगा ही नहीं, मतलब अभी, ठीक है ना, ये वो वाला टाइम नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है, ओके। तो आपने अपना, मांगेराम जी यही मैं कहूंगा हमारे फाउंडर्स को जितने भी हैं कि हाँ, यहाँ उनको लगता है कि यार कोई बात नहीं, हम दो चार 6 महीने तो वैसे निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, फिर तो अच्छा है, फिर तो कोई बात ही नहीं है उसमें, ठीक है ना। मगर उनको लगता है कि हमारे तो 10-15 दिन में महीना निकालना भी मुश्किल हुआ पड़ा है, तो देन आई मस्ट से कि वो उनको अपना खुद का देखना पड़ेगा कि उन्होंने अपना उस लेवल पे जाके कैसे सोचना है कि उनको काम करना है या उन्होंने क्या करना है। बहुत सारे यहाँ पे इवन के मेरे कनाडा में कुछ फाउंडर हैं यहाँ पे,
वो आल से आठ दिन एक साल पहले अपना काम कर रहे थे, तो जब वो तब भी उनसे बात में देखो यहाँ पे ये बन के रेडी, क्योंकि नो डाउट हमारे फाउंडर्स का या हमारा भी या सबका ये था कि जब लॉन्च कर जब ज्वाइन होते हैं तो बस ये होने वाली है, बस ये ज्वाइन होने वाली, ये कब होने, डेट किसी ने नहीं दी, नो डाउट, ना आपने ना हमने ना किसी ने, किसने डेट नहीं, हाँ इतना जरूर बोला है कि यहाँ होने वाला है, ओके कब होगा ये मतलब हमें नहीं मालूम। अब मेरे यहाँ के भी फाउंडर भी हैं, उन्होंने भी काम अपने शुरू किए थे, तो वो बड़े आराम से ठीक है यार हो जाएगी, और भी बहुत सारे फाउंडर्स हैं जो कि अपना कुछ काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब इसमें दिक्कत बस वही फाउंडर्स को है जिनके पास कुछ नहीं था या जिनका काम नहीं था, या वो MLM कर रहे थे कोई दूसरी वाली, वो छोड़ दी उन्होंने और यहाँ पे आके टीम्स बनाई है, या वो है तो यस टीम वाले को बोनस था। बट अगर इसके बारे में मैं कहूं कि एग्जैक्ट डेट आपको मिलने वाली कि कब होने वाला है, वो अभी क्लियर मतलब ऐश ने नहीं बताया है, उस बारे में बिल्कुल नहीं बताया। सो मेरा एक ये है कि आपने अपना घर में या आपके क्या प्लानिंग है पैसे की, ऑन पैसे के अलावा, वो आपको सोचना तो हमेशा ही चाहिए था, मुझे नहीं मालूम कि क्यों नहीं सोचा पहले से, तो पहले से सोचना पड़ेगा आपको कि ये ऐसा ऐसा है, और जब ऑन पैसे लॉन्च होगी तो 100% आप ऑन पैसे के ऊपर गुजारा कर सकते हैं, ये बात है मांगेराम जी। सर आप ना ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई आप पे भी कोई 200 रोपण नहीं कर सकता हूं मैं, लेकिन सर हम ही सब लोगों ने आके ना, आपने आके, जस्सी ने आके, मैंने आके, सभी लीडरों ने आके बोला है सर कि बस अब ना बिल्कुल ये तैयार है, होने ही वाला है बस, तो ना लोग ना सर परेशानी में है, लोग दुखी है सर, लोगों के पास इनकम नहीं है सर, और जो इतने लाखों लाखों लोग जुड़े हैं ना सर, हमारे विश्वास पे ही लोग जुड़े हैं सर सब ना, नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी भी लोग एक बात बोलते हैं कि अगर इसको 6 महीने लगने हैं या 4 महीने लगने हैं या 3 महीने लगने हैं, तो सर हम कम से कम कुछ और, ये तो भरोसा ना रहे ना हमारे को कि अभी ये 10 दिन में होने वाला, हम इसके भरोसे में बैठे हैं, नहीं किसी ने भी नहीं कहा 10 दिन में होने, देखिए मांगेराम मैं सीधी बात, किसी ने भी नहीं, ये हम खुद ही सोच लेते हैं बेसिकली। मैं बताता हूँ, दिसंबर में ऐश ने इतना ही कहा आगे ना, मेरी बात सुनिए, मैं वही कह रहा हूँ, दिसंबर में ऐश ने ये बोला कि आफ्टर मिड ऑफ जनवरी हम मार्केटिंग कैंपेन के बारे में सोच रहे, वो करने के लिए ये बोला ना, यही बोला है जो मैं अभी बोल रहा हूँ, आप वेबिनार निकाला, हमारे लीडर्स ने बोला कि मिड जनवरी के बाद मार्केटिंग कैंपेन ऐश ने बोला है कि शुरू कर देंगे किसी टाइम, वो डेट आपको बताई जाएगी, ओके, और ये बात बोली है, और उसके बाद सारा कुछ हुआ, तो ये बात हम आज भी बोल रहे हैं, मैं तो आज भी बोल रहा हूं कि जैसे ही मार्केटिंग कैंपेन शुरू होंगे, अब मिड जनवरी के बाद बोला तो लोगों ने क्या सोचा, ओके 15-20 जनवरी के बाद बोनस आने वाला है, लोग ये इंटरप्रेशन जब कर लेते हैं ना अपने आप दिमाग में कि उसके बाद 10 दिन में बोनस आना शुरू हो जाएगा, तो लगभग ओके 30 तारीख तक या 1 तारीख से बोनस आना शुरू हो जाएगा, तो ये तो डेट किसी ने दी ही नहीं है असल में, ये हमने खुद ही अज्यूम कर ली लोगों ने कि ठीक है अगर मिड जनवरी के बाद ऐश ने बोला कि हम सोच रहे हैं उसको शुरू करने के लिए, तो मिड जनवरी के बाद शुरू करने हो, वो क्या 20 जनवरी को शुरू हो रहा है या वो 20 फरवरी को शुरू हो रहा है या वो 28 फरवरी को शुरू हो रहा है या 10 मार्च को शुरू है, ये डेट नहीं है, ये हमने खुद ही बेसिकली दिमाग में लोगों ने बना ले, ओके ठीक है ओके आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, मार्केटिंग कैंपेन शुरू करें और हमें पैसे आने वाले हैं, तो ये लोग जब खुद ही सोच लेते हैं उसमें किसी की भी गलती नहीं है बेसिकली, और उसमें ये सर प्लीज मिड जनवरी और मिड फरवरी फर्क होता है ना डिलो सर, नहीं उसके बाद ये नहीं बोला कि मिड जनवरी में मार्केटिंग कैंपेन शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं बोला, लिख के मिड जनवरी सर लिख के लीडरशिप काउंसिल में लिख के आया सर कि मिड जनवरी के बाद मार्केटिंग कैंपेन शुरू हो रहा है, हाँ बिल्कुल, तो मिड जनवरी तो नहीं होता ना सर, सुनो ये मैं तभी कह रहा हूँ आपके समझने में दिक्कत है, मिड जनवरी के बाद तो मार्केटिंग कैंपेन कुछ जगह पे जो थर्ड आई है उसको ऑलरेडी शुरू हुआ है, वो आपको थोड़ा बताया, आप सोच रहे हो कि आपको आके डेट दें कि ये 15-20 कंपनी है इसको हम मार्केटिंग कैंपेन करते, उससे ना तो आपका ना मेरा कुछ फायदा, जो लोग ना मीटिंग करते हैं ना यूट्यूब पे आते हैं या बनाते हैं या मीटिंग करते हैं, वो पता क्या लिखते हैं, हाँ जी, जो आप सुनना चाहते हो वो आज ही है, आइए इस मीटिंग में 13 तारीख को, जो सुनना चाहते हो, जो आप वेट कर रहे हो,
जिसका आपको इंतजार है वही होने वाला है, आइए आप सर। हाँ तो वो तो मैं इसलिए एजुकेट करते हैं ना, हम लोग लोग कितना एजुकेट किया है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, हम मुझे 3 साल हो गए लोगों को एजुकेट करते हुए कि ये जो YouTube पे भरोसे मत ऑन पैसिव में रहिए, ये कुछ भी लिखेंगे अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, वो ये बात लिख के क्लिक्स लेके खुद तो पैसे कमा रहे हैं। मैं डाटा दिखा देता हूँ, ऐसे मुझे दिखाया कि झूठ मूठ लिख के वो लोग आपसे पैसे कमा रहे हैं और आप पैसे के लिए दिक्कत है, क्यों जाते हो वहां पे? हम आपको बार बार यही कह रहे हैं कि YouTube पे ठीक है सुनिए, ओके गुड इन्फॉर्मेशन, बट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वहां पे बैक ऑफिस में ही है। अब YouTube क्यों मतलब सुनिए, मैं मना नहीं करता सुन के अपना दिमाग में, कितनी बार हम बोलेंगे। अगर उसमें ऑन पैसिव का तो कोई वो नहीं है ना, ऑन पैसिव ने तो डेट नहीं दी, ये तो यूट्यूबर ने अपने दिमाग से दे दी। अब यूट्यूबर का इतना दिमाग थोड़ा है, अगर उसका इतना दिमाग है वो तो ऑन पैसिव खुद ही खड़ी कर लेता, फिर वो तो जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है और इन्फॉर्मेशन यूट्यूब वाला भी दे रहा है वही वाली। बट सुनिए यूट्यूब मेरी बात सुनिए, यूट्यूब एक मिनट यूट्यूब वाले ने बहुत स्मार्टली प्ले करके उसने अपना थंबनेल डाल दिया, जो सुनना चाहते हो ये लो। सुनना क्या यार, वो सुन तो वेबिनार में ऑलरेडी बोला हुआ है, बैक ऑफिस में ऑलरेडी लिखा हुआ है, अब वहां पे तो कोई जाता नहीं, लॉग इन नहीं करते ये लोग, ठीक है ना? तो वहां पे अगर लॉग इन करेंगे इन्फॉर्म्ड रहेंगे तो वो यूट्यूब वाले से ध्यान हटके वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन उस समय भी नहीं भी ये तो कह रहा है कि आज ही होने वाला, बट वहां पे तो लिखा कि हाँ 15 जनवरी के बाद शुरू होने वाले हैं और उसके बाद डेट तो दी नहीं गई। वो जब लॉजिक वे से ये सोचेगा तो तब उसको मालूम चलेगा कि ये यूट्यूब और इसमें थोड़ा फर्क है उनके कहने में। हमारे बहुत सारे फाउंडर क्या करते हैं, अरे छोड़ो यार 5 मिनट 10 मिनट की यूट्यूब वाली वीडियो, उस वहां पे अपडेट आ जाएंगे, ओके, और ये यूट्यूब वाला ही 100% ऑथेंटिक बात कर रहा है, ओके, वो उसी के पे विश्वास करके ऑन पैसिव के जरिए चलते, और आज बोले अरे ये तो लॉन्च नहीं हो रही, वो नहीं हो रही।